तो पार्ट टू की शुरुआत होती है केमिस्ट्री लैब से, जहाँ पर सारे स्टूडेंट्स को अपने डेस्कमेट के साथ केमिकल रिएक्शन का एक्सपेरिमेंट करना था। तो शाशा एक्साइटमेंट में आकर जिनान को कोई भी काम नहीं करने दे रही थी, जिस चक्कर में वो केमिकल्स को मिलाने में गड़बड़ कर देती है, जिससे पूरा लैब धुआं धुआं हो जाता है और इस वजह से उन दोनों को पनिशमेंट मिलता है लैब की साफ सफाई करने की। देन स्कूल के बाद शाशा अपने घर वापस आ जाती है, जहाँ पर थोड़ी देर में जिनान भी पहुँचता है, जिससे हमें पता चलता है कि जिनान शाशा के फ्लैट के ऊपर वाले फ्लैट में रहता है। लेकिन अभी तक इन दोनों को इसके बारे में पता नहीं है, क्योंकि जिनान के मैनेजर ने अपने नाम पे फ्लैट रेंट पे लिया था। तो मैनेजर ने जिनान के लिए खाना ऑर्डर किया था, जो गलती से शाशा के घर पे डिलीवर हो जाता है। लेकिन शाशा की मॉम नोटिस करती है कि उसके बिल में फ्लैट नंबर 202 लिखा हुआ है, इसलिए वो शाशा से फूड डिलीवरी ऊपर पहुंचाने के लिए कह देती है। तो शाशा ऊपर पहुंच जाती है और डोरबेल बजाकर अंकल अंकल बुलाने लग जाती है, क्योंकि मॉम ने उसे बताया था कि कोई आदमी रहने के लिए आया है। अब जिनान तो अंदर से ही देख लेता है कि बाहर शाशा आई हुई है, तो उसे लगा कि शायद वो पार्ट टाइम डिलीवरी करती होगी, तो वो थोड़ा भारी आवाज में डिलीवरी बाहर ही छोड़ जाने के लिए कहता है। तो शाशा अपने रूम में वापस आती है, जहाँ पर वो अपने एक ऑनलाइन फ्रेंड से चैट करने लग जाती है, जिससे वो जिनान के बारे में बताती है। तो उसकी फ्रेंड उसे जिनान का एक ऑटोग्राफ लेने के लिए कहती है। तो अगले सुबह जिनान स्कूल के लिए जा रहा था, जहाँ उसे शाशा पीछे से देखकर ही पहचान लेती है, तो वो उसे छुपकर फॉलो करने लगती है, ताकि दोनों साथ में ही स्कूल जा सके। वैसे भी जिनान ने उसे बात करने से ही मना किया था, लेकिन जिनान को डाउट हो जाता है कि कोई तो उसे फॉलो कर रहा है, इसलिए वो जल्दी से मैनेजर को कॉल करके बुलाता है और जल्दी से उस जगह से निकल जाता है। तो शाशा उसे ढूंढ ही नहीं पाती, मगर तभी जिनान उसे बुलाते हुए उसके कंधे पर हाथ रखता है, पर शाशा तो उसे उठाकर पटक ही देती है और उसे अंधाधुन पीटने लग जाती है। तभी मैनेजर भागते हुए वहाँ पर पहुँचता है, उसे रोकता है। अब जिनान को देखकर वो तो हैरान हो जाती है, तो उसे सॉरी वॉरी कहती है। जिनान जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद शाशा स्कूल पहुँचती है, जहाँ पर बहुत सी लड़कियाँ उसे जिनान को देने के लिए गिफ्ट देती है, जिन्हें वो जिनान को आकर दे देती है। तभी खिड़की की तरफ एक ड्रोन उसकी फोटो क्लिक कर रहा था, जो देखकर शाशा जल्दी से कर्टेंस बंद कर देती है। तो शाशा उसे अब तक की सारी चीजों के लिए सॉरी कहती है। इस पर जिनान कहता तो है कि उसने उसे माफ कर दिया, जो सुन शाशा बड़ी एक्साइटेड होकर उसे एक ऑटोग्राफ मांगती है, मगर जिनान मना कर देता है। मगर शाशा ने इतनी बार उसकी बैंड बजाई है, तो वो इतनी आसानी से भूलने वाला तो नहीं था। इसलिए मैथ क्लास के टाइम जब शाशा सो रही थी, तो मैम ने उन सभी को एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया था। तभी जिनान उसे कहता है कि क्या किसी को मेरे ऑटोग्राफ चाहिए, जो सुनकर शाशा उठकर कहती है कि हाँ मुझे। ये देखकर मैम तो उसे क्वेश्चन सॉल्व करने आने के लिए कहती है, लेकिन शाशा को तो आता ही नहीं था। तो मैम क्लास डिस्टर्ब करने के लिए उसे बाहर निकाल देती है। अब अगले पीरियड में फिर से मैथ टीचर आ जाती है उनका सरप्राइज टेस्ट लेने के लिए। अब शाशा और यूशिंग को तो एक भी सवाल समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि दोनों ही मैथ्स में वीक थे, इसलिए वो दोनों उनकी साइड में बैठी हुई शुनशिन की कॉपी से आंसर छापने लग जाते हैं। लेकिन जिनान उनके इस प्लान में टांग अड़ा देता है अपने पेपर पे आवाज करके, जिससे मैडम का ध्यान इन पर आ जाता है। तो शाशा अब छुपकर बुक निकाल कर आंसर छापने लग जाती है, जो देखकर जिनान फिर से मैम को बुला लेता है, जिस चक्कर में शाशा के हाथ से बुक गिर जाती है। तो मैम उसे चीटिंग करने के लिए बाहर निकाल देती है, उसके साथ वो यूशिंग को भी बाहर निकाल देती है, क्योंकि उसने आंसर छापते हुए अपनी कॉपी पर शुनशिन का नाम ही लिख दिया था। तो एग्जाम खत्म करके जिनान मस्त बाहर आ जाता है, जहाँ यूशिंग को तो उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, मगर शाशा तो जिनान को ही सपोर्ट कर रही थी, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, हम दोनों चीटिंग कर रहे थे इसलिए हम दोनों पकड़े गए। जिसके बाद मिस चेन आकर भी उन दोनों को डांट कर चली जाती है। देन कैंटीन में फिर से शाशा जिनान के पीछे लग जाती है, जहाँ पर शाशा को ड्रमस्टिक्स खाने थे, मगर जिनान वो सारे ले लेता है। तो शाशा को सूप पीकर ही गुजारा करना पड़ता है। जिसके बाद उनके स्पोर्ट्स पीरियड में यूशिंग सभी की एक्सरसाइज करा रहा था, मगर जिनान वहाँ से बाहर निकलकर बैठ जाता है, क्योंकि उसकी कुछ प्रॉब्लम है जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। देन बॉयज का स्टैंडिंग लॉन्ग जंप शुरू होता है, जिसमें यूशिंग का रिकॉर्ड था 3 मीटर का। वहीं तक गर्ल्स की ग्रिप स्ट्रेंथ चल रही थी, जिसमें शाशा उस मशीन की हाईएस्ट लेवल पे पहुंच जाती है, क्योंकि उसकी ग्रिपिंग बहुत ही ज्यादा मजबूत थी, जो देखकर सारे स्टूडेंट्स और टीचर भी हैरान थे, क्योंकि मैक्सिमम कोई भी नहीं कर पाता। तो जिनान भी ये देखने के लिए आ गया था, वो भी हैरान था। तो जिन्हान एक जगह पर मस्त लेटा हुआ था आंखें बंद करके, और शाशा के बारे में सोच रहा था कि वो स्मार्ट तो नहीं है, लेकिन वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तभी आंखें खोलने पर शाशा उसके सामने थी, वो भी उसे देखते हुए मुस्कुरा रही थी। अब थोड़ी देर उनका आई कॉन्टेक्ट तो होता है, मगर जिन्हान के उठने के चक्कर में उनके सर में टक्कर हो जाती है, जिसके बाद दोनों बात करने लग जाते हैं, जहाँ पर शाशा उसे बताती है कि उसने बचपन से ही बहुत सारे फिजिकल एक्टिविटीज में पार्ट लिया था, जिस वजह से ही आज वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग है, और बचपन से ही उसने जुजुत्सु भी प्रैक्टिस किया था। जिसमें जिनान कहता है कि अगर वो उनके जैसा होता तो वो भी आज उनकी तरह गेम्स में पार्टिसिपेट कर सकता था। यहाँ पर उसे क्या प्रॉब्लम है ये उसे बताता नहीं है। तभी जिनान को छींक आने लगती है, क्योंकि उसे ठंडी लग गई थी। तो इसके लिए शाशा मेडिकल रूम से इंफ्रारेड थर्मोमीटर ले आकर उसका टेम्परेचर चेक करती है। तो जिनान उसे अपने कुछ ऑटोग्राफ वाले फोटोज देता है, जिससे वो क्लास में सभी को देने के लिए कह देता है। तो शाशा उसे कहती है कि तुम्हें खुद ही उन्हें देना चाहिए। तो जिनान कहता है कि मेरी उनसे अभी जान पहचान नहीं हुई है, इसलिए तुम मेरी हेल्प कर दो इसमें। तो शाशा सारी गर्ल्स को वो सारी ऑटोग्राफ्स दे देती है। उसके पास सिर्फ एक ही बचता है, लेकिन उसे तो एक अपनी फ्रेंड के लिए भी चाहिए था। जिनान इसके लिए अभी मना कर देता है। तो शाशा उसे अपनी वाली फोटो ही देने का डिसाइड करती है। अब घर
जाकर चाचा को पता चलता है कि थोड़ी देर में इस एरिया में पानी खत्म होने वाला है, इसीलिए उसकी मॉम ने पहले से ही एक्स्ट्रा बाल्टीज भर रखी थी। लेकिन ऊपर जिनान तो अभी नहा रहा था, जिसके बीच ही पानी खत्म हो जाता है। तो वो जल्दी से मैनेजर को कॉल लगाता है और मैनेजर चाचा की मॉम को कॉल लगाता है, क्योंकि चाचा की मॉम इस घर की एजेंट थी। तो वो उन्हें बताती है कि नोटिस में तो साफ लिखा हुआ था कि रात को 8 बजे पानी खत्म होने वाला है। तो मैनेजर उनसे कहता है कि उन्होंने देखा नहीं था, पर अभी उन्हें पानी की जरूरत है। तो मॉम उन्हें नीचे आकर उनके घर से पानी ले जाने के लिए कहती है। तो मैनेजर कहता है कि अभी वो नहीं आ सकता। तो मॉम चाचा को तो बाल्टी भर के ऊपर ले जाने के लिए कहती है। तो चाचा जाकर डोरबेल बजाती है। वह जिनान ने इधर कपड़े से बालों को पोंछ कर हेयर ड्रायर से साफ कर लिया था, लेकिन बाथरूम से निकलते हुए उसका पैर फिसलता है, वो गिर जाता है, जिससे उसे जोर की चोट लग जाती है। वहीं तो दरवाजे पर चाचा डोरबेल बजाए जा रही थी, तो जिनान कैमरे से देख लेता है कि बाहर तो चाचा आई हुई है। तो उसे देख जिनान कहता है कि अभी रात को यहाँ पर कैसे आ गई। तो वो जल्दी से बाहर आकर दरवाजा खोलता है और जिनान को यहाँ पर देखकर चाचा तो डबल शॉक्ड हो जाती है। तो जिनान उसे पूछने लग जाता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। तो चाचा उसे बताती है कि वो तो नीचे ही रहती है। सुनकर जिनान भी शॉक्ड होता है, लेकिन चाचा तो खुश होकर उसके घर में घुस जाती है पानी की बाल्टियाँ लेकर, और उसे पूछने लग जाती है कि अगर उसे और कोई हेल्प चाहिए हो तो। लेकिन जिनान उसे अभी जाने के लिए कहता है, मगर चाचा तो एक्साइटमेंट के मारे जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। जिनान उसे बाहर निकाल देता है। वहीं चाचा तो अपने रूम में आकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है कि उसका आइडल तो उसी के घर के ऊपर रहता है। अब अगली सुबह ऊपर जिनान के जलने की वजह से चाचा को नीचे आवाज आ रही थी, तो वो सीलिंग पे एक हॉलो पाइप लगाकर ऊपर सुनने लग जाती है। अब उसके ये अजीब बिहेवियर देखकर उसके मॉम डैड कहते हैं कि आखिर इसे हो क्या गया है। सुबह सुबह वो तो जॉगिंग पे भी निकल जाती है कि अगर उसे जिनान रास्ते में मिल जाए तो। जो देखकर उसके मॉम डैड तो और ज्यादा हैरान होते हैं। तो मॉम डैड शॉपिंग करने के लिए जा रहे थे, इसलिए वो चाचा को भी अपने साथ ले जाते हैं। वहीं तो जिनान को उसकी मॉम का कॉल आता है, जो उसके लिए कुक अपॉइंट करना चाहती थी, क्योंकि डेली बाहर के खाने से उसकी तबीयत खराब हो सकती थी। पर जिनान उन्हें मना करते हुए कहता है कि वो खुद खाना बना लेगा। ये कहकर वो शॉपिंग करने के लिए जाता है, और वो भी वही सुपरमार्केट गया होता है जहाँ पर चाचा थी। अब चाचा तो जिनान को दूर से देखकर ही पहचान जाती है, तो वो उसके पास आ जाती है और उसे फिर से सवाल जवाब करने लग जाती है। अब उसे देखकर जिनान तो फिर से उसे दूर भागने लग जाता है, शॉपिंग करके जल्दी से निकलने की कोशिश करता है। लेकिन चाचा तो उसके पीछे पीछे ही होती है, वो जो भी खरीद रहा था वो भी वो सब खरीद रही थी। तो मॉम डैड उसे घर चलने के लिए बुला रहे थे, मगर चाचा बहाना कर देती कि उसे उसका एक क्लासमेट मिल गया है, तो वो उसके साथ ही घर जाएगी। तो फिर वो जिनान के साथ घर के और आ रही थी, तभी वो फिर से नोटिस करती है कि जिनान को बहुत छींकी आ रही थी, क्योंकि उसे सर्दी लग गई थी, इसलिए वो जल्दी से घर आकर मेडिसिन लेकर ऊपर पहुंच जाती है, जहाँ पर जिनान ऑमलेट तवे पर चढ़ाकर दरवाजा खोलने के लिए आया था, जिस वजह से ऑमलेट भी जल जाता है, उसका हाथ भी थोड़ा जल जाता है। तो उसकी आवाज सुन चाचा भी अंदर आ जाती है और ऑमलेट बनाने में उसकी हेल्प करती है, जिसे जिनान काफी खुश होता है। तो चाचा उसे अगर कोई हेल्प चाहिए तो उसे बताने के लिए कहती है, इसके लिए वो उसे अपना नंबर भी देकर जाती है। तो आज उसकी स्कूल में छुट्टी थी, इसीलिए वो अपने एक शूटिंग पे जाता है, जहाँ से वापस आते हुए बहुत सारी कार्स उसे फॉलो कर रही थी, जो देखकर मैनेजर को कुछ गड़बड़ लगता है। तो उन्हें कार के अंदर से बहुत सारे ट्रैकर्स मिलते हैं, जिसके जरिए ही वो कार्स उसे फॉलो कर रही थी। तो उन ट्रैकर्स को देखकर जिनान तो काफी घबरा जाता है। इतने चाचा तो घर में बैठकर जिनान का प्रोफाइल चेक कर रही थी, तभी उसे जिनान कॉल करता है और उस मेडिसिन के लिए उसे थैंक यू कहता है। अब जिनान का कॉल देखकर चाचा तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तो जिनान उसे अपना ध्यान रखने के लिए कहता है, स्पेशली घर का दरवाजा अच्छे से लॉक करने के लिए कहता है, जिससे चाचा को तो समझ नहीं आता मगर ऐसा उसने क्यों कहा, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। और इसी के साथ पार्ट 2 का एंड यहीं पर होता है। तो ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। तो इसके अगले पार्ट चाहिए या नहीं कमेंट में जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।